रूस यूक्रेन जंग में नया चैप्टर खुलने जा रहा है जो बेहद खौफनाक हो सकता है, क्योंकि रूस ने मना करने के बावजूद नेटो देश यूक्रेन को हथियार देते ही जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब विनाशकारी टैंकों की खेप भेजकर नेटो ने पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब जंग और घमासान होने के आसार हैं, जिसमें नेटो देशों पर रूस हमला भी कर सकता है। लेकिन उससे पहले रूस ऐसे हथियार जंग के मैदान में उतारने जा रहा है जो नेटो देशों के भेजे टैंकों की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। यानी पुतिन किलिंग मशीन के जरिए यूक्रेन में कहर ढाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अगर अपराम दिया तो रूस अधमरा कर देगा। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर लेपर्ड दिया तो रूस लहूलुहान कर देगा। अगर चैलेंजर पहुंचा तो रूस एटम बम फोड़ देगा। पश्चिम की तरफ से आ रहे टैंकों का खौफ रूस को इस कदर है कि वो इसके बदले में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। रशिया ने यह तक कह दिया है कि अगर इन टैंकों से एक भी गोला युद्ध में दागा गया तो यह लड़ाई अब विध्वंसक हो जाएगी, जिसके विश्व युद्ध तक में तब्दील हो जाने का अंदेशा रहेगा। और फिर पुतिन परमाणु बम फोड़कर उन तमाम देशों से बदला लेंगे जो यूक्रेन को टैंक सप्लाई कर रहे हैं। इधर रूस ने धमकी दी, उधर अमेरिका ने सख्त तेवर दिखाते हुए यूक्रेन को $300 मिलियन के बैटल टैंक का जखीरा देने का ऐलान कर दिया, जिसमें 31 M1 एडवांस एब्राम टैंक दिए जाएंगे। बाइडेन के बयान के बाद यह तय हो चुका है कि दुनिया अब उस खतरे की तरफ बढ़ चली है जिसे विश्व युद्ध कहा जाता है, और उसका जीता जागता सबूत देखिए, ये वही टैंकों की खेप है जो यूक्रेन भेजी जा रही है। M1A2 अब्राम टैंक के अलावा M2A2 ब्रैडली टैंक भी यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। ये तस्वीरें कैंसास सिटी से सामने आई, जहां ईस्ट की तरफ इस काफिले को बढ़ते देखा गया। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई जो बताती है कि अमेरिका रूस के खिलाफ कितनी बड़ी तैयारी में जुटा है। 7 B-52 बॉम्बर यूरोप के लिए उड़ान भर चुके हैं जो न्यूयॉर्क से अटलांटिक की तरफ जाते देखे गए। बताया जा रहा है कि 7 B-52 बॉम्बर US इसराइल की वॉर ड्रिल में हिस्सा लेंगे, बाकी 3 यूरोप में किसी सीक्रेट बेस पर तैनात किए जाएंगे। तो क्या यह समझा जाए कि अमेरिका ने रूस पर अटैक की तैयारी शुरू कर दी? क्या अमेरिका और नेटो देश मिलकर बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? क्या यूक्रेन की जंग अब रूस वर्सेस नेटो होने वाली है? क्या अमेरिका यूक्रेन को क्रीमिया पर कब्जे में मदद करने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो महाविनाश दूर नहीं है। पुतिन की एटमी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पुतिन बौखलाए हुए हैं, और जिस तेजी से यूक्रेन को पश्चिमी देश हथियार सप्लाई कर रहे हैं इसी के तहत पुतिन की बौखलाहट और बढ़ने वाली है, और ये बौखलाहट बारूदी जलजले के रूप में सामने आएगी। खासतौर से टैंकों की खेप दिए जाने से क्रेमलिन में कोहरा मचा हुआ है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि जमीनी जंग में रूस की सेना कमजोर पड़ी है। इसी का फायदा यूक्रेन उठाना चाहता है, इसीलिए उसे नेटो देशों से लगातार मदद मिल रही है। अमेरिका अब्राम टैंक और ब्रैडली टैंक की खेप भेज रहा है। जर्मनी से लेपर्ड 2 टैंक की बड़ी खेप मिलने जा रही है। ब्रिटेन चैलेंजर 2 टैंक की खेप भेजने वाला है। पोलैंड भी जर्मन मेड लेपर्ड 2 टैंक भेजने को तैयार है, जबकि नॉर्वे भी लेपर्ड टैंक भेजने पर विचार कर रहा है। इसी तरह फिनलैंड भी लेपर्ड टैंक भेजने की तैयारी में है। फ्रांस लेगलर टैंक देने के लिए तैयार हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा अधिकतर नेटो देश जर्मन मेड लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन भेज रहे हैं।
इसके लिए बर्लिन से मंजूरी भी मिल गई है। यानी एक तरीके से जर्मनी अमेरिका के बाद काफी एग्रेसिवली यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिससे रूस का पारा चढ़ा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि रूस जर्मनी के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। अब ये एक्शन कितना बड़ा और खतरनाक होगा या कितना खौफनाक होगा, ये यूरोप में नई जंग के पैमाने के तौर पर समझ में आ जाएगा। फिलहाल रूस यूक्रेन को मिलने वाले टैंकों के खिलाफ लगातार रणनीति बना रहा है और इसीलिए वो नाटो के टैंकों को पल भर में मिनटों में ध्वस्त कर दे, ऐसी रणनीति की तरफ रूस लगातार काम कर रहा है। इसके लिए रूस मार्केट रोबोट जंग में उतारने जा रहा है, जो अमेरिका के अब्राम और लेपर्ड टैंक के लिए काल है। ऑटोमेटिकली टारगेट सेट करके टैंक को तबाह करने की काबिलियत रखता है। फरवरी की शुरुआत में मार्कर रोबो की पहली खेप को यूक्रेन में उतारा जाएगा। मार्कर रोबो इंफ्रारेड तकनीक पर काम करता है। एक बार मास्टर कंट्रोल पैनल में टारगेट की इमेज सेट कर दी जाती है तो ये इमेज के बेस पर टारगेट को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली अटैक करता रहता है। इसके अलावा रूस एक और हथियार को जंग के मैदान में उतारने जा रहा है, जो यूक्रेन के टैंक को निशाना बनाएगा, साथ ही यूक्रेन के ट्रूप्स को भी नहीं छोड़ेगा। उस किलिंग मशीन को मैड मैक्स नाम दिया है। वैसे इसे वैगनर वैगन कहा जाता है। मैड मैक्स एक फाइटिंग व्हीकल है जो लैंडमाइंस को डिटेक्ट कर लेती है और उससे बचते हुए 2 मील तक हैवी मशीन गन के जरिए टारगेट पर ताबड़तोड़ वार करने में सक्षम है। हालांकि सीरिया और लीबिया में रूस इसका इस्तेमाल कर चुका है, जहां ये काफी मारक साबित हुई थी। इसीलिए यूक्रेन में भी इसे उतारने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि ये ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक के लिए काल साबित होगी। ये टैंक पर अटैक के अलावा दुश्मन के दूसरे हथियारों के लिए भी कहर साबित होगी। यानी अब टेरर टैंक वर्सेस रूस की किलिंग मशीन के मुकाबले में यूक्रेन में जलजला आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।